बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले काफी सारे सेशंस में हमने जीएसटी से रिलेटेड काफी सारी एंट्रीज को देखा। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जीएसटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जीएसटी रिटर्न्स के बारे में। जीएसटी रिटर्न्स एग्जैक्टली बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरे के पूरे जीएसटी सिस्टम का, और इस पूरे सेशन से और अगले आने वाले कुछ सेशंस में भी हम जीएसटी के रिटर्न्स की ही जानकारी लेने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एग्जैक्टली रिटर्न्स क्या होती है। हर बिजनेस को अपने अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के साथ शेयर करनी पड़ती है, और यह पहले क्वार्टर स्टेटमेंट में जाती थी जब वैट था, लेकिन अब जीएसटी आने के पश्चात मंथली अकाउंट स्टेटमेंट्स में गवर्नमेंट के पास हमें जमा करवाना पड़ता है। और इसे दो तरीके से आप सबमिट करवा सकते हैं, पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन gst.gov.in पर जाकर आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, वहां से आप अपनी रिटर्न्स को सबमिट कर सकते हैं। और ऑफलाइन के लिए गवर्नमेंट ने ऑफलाइन टूल दे दिया है जिसको आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रिटर्न्स को भर सकते हैं, और वहीं से नेट कनेक्ट करके रिटर्न को फाइल भी कर सकते हैं। तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है गवर्नमेंट को, उसे पूरे के पूरे टैक्स कैलकुलेशन को करना आसान हो जाता है। तो आइए अब रिटर्न्स की जानकारी लेते हैं। जैसे मैंने बताया, हर बिजनेस को जो जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है इस समय भारत में, उसको अपनी स्टेटमेंट्स रिटर्न्स में देनी पड़ेगी। तो मुख्यतः चार तरह की रिटर्न्स हमारे पास अवेलेबल है एक नॉर्मल और रेगुलर बिजनेस के लिए, GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3 और GSTR 9। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो एक रेगुलर बिजनेस है जीएसटी के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड है, उसे ये चार रिटर्न्स भर के देनी है। सबसे पहली रिटर्न GSTR 1 है। इसमें हम लोग जो भी हमने सेल्स किया है उसकी सारी इंफॉर्मेशन इसमें फिल करके देते हैं, और GSTR 1 आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं और ऑफलाइन भी फिल कर सकते हैं। दूसरी रिटर्न जो हमारे पास है वो GSTR 2 है। इसमें हमारी परचेज की सभी डिटेल्स रहती हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह रिटर्न हम नहीं बनाते, यह ऑटोमेटिकली एक ऑटो पॉपुलेटेड रिटर्न्स रहती है जो GSTN पैनल पे अपने आप आपके पास आ जाती है। और तीसरी रिटर्न जो हमारी है वह जो हमने सेल्स किया और जो हमने परचेज किया उसमें जो सेल्स करते समय टैक्स हमने प्राप्त किया और परचेज करते समय जो हमने टैक्स पे किया, उन दोनों को एडजस्ट किया जाता है और हमें परचेज पे दिए गए टैक्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रदान किया जाता है। हमें परचेज करते समय जो हमने टैक्स दिया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रदान किया जाता है। फाइनली सेल्स पे प्राप्त किए गए टैक्स से परचेज पे दिए गए टैक्स को घटाकर जो हमारी लायबिलिटी बनती है उसे हम सबमिट करवाते हैं GSTR 3 के द्वारा। लेकिन यह रिटर्न भी ऑटो पॉपुलेटेड रहती है। हालांकि GSTR 2 भी ऑटो पॉपुलेटेड है, GSTR 3 भी ऑटो पॉपुलेटेड है, लेकिन हम अगर कोई मॉडिफिकेशन वहां रहता है तो उसे एडिट करके कर सकते हैं। वह किस तरह से करेंगे वो हम आने वाले सेशंस में भी देखने वाले हैं। इसी के साथ फोर्थ रिटर्न जो सबसे इम्पोर्टेंट रिटर्न है GSTR 9, यह एक एनुअल रिटर्न है। इसे फाइनली साल के अंत में हम भरते हैं, और इस तरह से इसमें पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है सभी रिटर्न्स को जो हमने फिल किया है, उसके बेस पे GST 9 तैयार होती है। तो कुल मिला के हमारे पास चार रिटर्न्स हैं जो एक नॉर्मल बिजनेस को फॉलो करनी है। GSTR 1 हमारी सेल से रिलेटेड है, जो भी हमने सप्लाई की है चाहे वह गुड्स से रिलेटेड हो या सर्विसेज से रिलेटेड हो, उसकी इन्फॉर्मेशन GSTR 1 में आने वाली है। GSTR 2 ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के GSTN पैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, और इसमें परचेज की सभी डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल रहेंगी जो जो हमने परचेज किया है। GSTR 3 जिसमें हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर पाएंगे, जो भी हमने सेल्स पे टैक्स प्राप्त किया है और परचेज पे जो टैक्स हमने दिया है वह एडजस्ट करके हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, और जो बचा टैक्स रहता है वो हम पे कर सकते हैं GSTR 3 के द्वारा। GSTR 9 एनुअल रिटर्न है, एक ही बार जाएगा और फाइनली से लास्ट में सबमिट किया जाएगा साल के अंत में। और GSTR 1, 2, 3 जो है वो हर महीने हमें भरनी पड़ेगी। तो पहली तीन रिटर्न्स जो है वो हर महीने हमें भरनी है, और GSTR 9 जो है वो हमें साल में केवल एक बार भरना है। अब इस पूरे के पूरे सिस्टम का बेनिफिट क्या हुआ है? इस पूरे के पूरे सिस्टम का बेनिफिट ये हुआ है कि सभी का जो टैक्स है वो ऑनलाइन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होने वाला है, और सभी रजिस्टर्ड डीलर्स जो हैं
या जो रजिस्टर्ड बिजनेस हैं वो अपने टैक्स को टाइमली पे कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा कागजी कार्रवाई के। वे आसानी से अपनी रिटर्न्स को भर सकते हैं और आसानी से अपने टैक्स को ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। ये केवल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जीएसटी रिटर्न्स की। आने वाले सेशंस में हम देखेंगे कि इन सभी रिटर्न्स के क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशंस हैं, इनके किस प्रकार से हम इन्हें भर सकते हैं। सारी जानकारी हम आने वाले सेशन में लेने वाले हैं। धन्यवाद।